हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो है वो ऑडियंस रिसर्च के बारे में जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग जो है वो ऑडियंस रिसर्च जो है वो कर सकते हैं। तो फेसबुक की तरफ से एक इनका अपना जो है वो टूल अवेलेबल है जिसको ऑडियंस इंसाइट्स जो है वो बोलते हैं। इस पे अगर जो है वो एक्सेस जो है वो आप लोगों ने लेनी हो तो बिजनेस टूल्स में जाके आप लोगों ने फर्दर जो है वो स्क्रोल डाउन करना है और एनालाइज एंड रिपोर्ट के नीचे ये थर्ड ऑप्शन आपको जो है वो ऑडियंस इंसाइट्स की जो है वो मिल जाएगी। तो इस ऑप्शन के ऊपर, ऑडियंस इंसाइट्स ऑप्शन के ऊपर जो है वो आप लोगों ने आ जाना है। थोड़ा सा इंटरेस्ट रिसर्च, क्योंकि आगे भी हम लोग जो है वो फर्दर वीडियोस में एड्स बनाने जाएंगे तो मोस्टली हमारा टाइम जो होता है वो ऑडियंस रिसर्च के ऊपर लगता है कि कौन सी एज के लोगों को, कौन से जेंडर के लोगों को हम लोग लोगों ने टारगेट करना है और कौन से स्पेसिफिकली इंटरेस्ट कौन कौन से उनके जिनको हम लोगों ने टारगेट जो है वो करना है। तो इसी को अभी जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लोकेशन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट है। इसको अभी मैं फिलहाल रिमूव करता हूँ तो ओवरऑल डाटा देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि आ रहा है जो मोर देन 1 बिलियन पीपल जो है वो फेसबुक के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, इवन 2 बिलियन है तो इसलिए इन्होंने उसको जो है वो 1 बिलियन प्लस जो है वो लिखा हुआ है। अब लोकेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी टारगेट लोकेशन जो होती है वो यूनाइटेड स्टेट्स होती है। तो यहाँ पे लोकेशन में आके आप लोगों ने क्या करना है जी, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो यहाँ पे पुट कर देना है। यूनाइटेड स्टेट्स, अच्छा जी। उसके बाद आपके पास उससे नेक्स्ट जो है वो एज आ रही है, एज लिमिट और जेंडर लिमिट। अभी इसमें से आप लोगों ने कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, अभी इसको जो है वो ओवरऑल वैसे एनालिसिस करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में 55% जो है वो फीमेल्स हैं और 45% जो है वो मेल्स हैं। और ये एज इनकी जो है वो रेशियो भी आ रही है मुख्तलिफ एज ब्रैकेट्स के जो लोग अवेलेबल है यहाँ पे, इनके रिलेशनशिप स्टेटस जो है वो देख सकते हैं। 28% सिंगल, 52% मैरिड और यूनिवर्सिटी mostly students जो है वो 61% जो है वो students और administrative services के लोग ज्यादा हैं। अब एक example जो है वो हम लोग ले लेते हैं कि किसी एक client ने जो है वो कोई भी उसका बिजनेस है, कोई फास्ट फूड का बिजनेस हो सकता है, कोई फीमेल ब्रांड हो सकता है, मेल ब्रांड, चिल्ड्रन क्लोथिंग या इस तरह की कोई भी चीज जो है वो, इसमें से कोई भी चीज जो है वो हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो जस्ट एग्जांपल, अभी हम लोग जो है वो यहाँ पे मैं वर्ड फाइल जो है वो एक साथ साथ बनाता चला जाऊंगा। बिजनेस का जो है वो नेम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बिजनेस हम लोगों ने क्या करना है जी, कोई भी ABC बिजनेस है और ये बेबी क्लोथ्स का, इसी की एग्जांपल जो है वो मैं लेके चल रहा हूँ। अब जी हम लोग जो है वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अब एग्जांपल ले लें, यहाँ पे इंटरेस्ट के नीचे आपने क्या करना है, अभी सिर्फ जस्ट बेबी पुट करें और देखें कौन कौन से रिलेटेड इंटरेस्ट आते हैं। तो यहाँ पे बेबी शॉवर, बेबी शॉप, बेबी सेंटर, जॉनसन्स बेबी, बेबी ट्रांसपोर्ट, ये मुख्तलिफ चीजें जो है वो आ रही है। ठीक है, मैं इसमें से क्या करता हूँ, बेबी शॉप जो है वो अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने बेबी शॉप जो है सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखें 92% फीमेल इस चीज के अंदर इंटरेस्टेड है और 8% सिर्फ मेल्स हैं। और इसमें फर्दर भी जो है वो देखें, सबसे ज्यादा जो एज लिमिट है 25 से लेकर 34 इयर्स ऑफ एज के लोग जो है वो इस चीज के अंदर इंटरेस्टेड है बेबी शॉप में। रिलेशनशिप स्टेटस, मैरिड जो है वो हमारे पास आ गए, अगेन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और ये मोस्टली लोग हेल्थ केयर, मेडिकल सर्विसेज, सेल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, मैनेजमेंट के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है। अब एक मैंने सिर्फ इंटरेस्ट पुट किया तो मोस्टली मेरे पास क्या आ गया जी, 25 से 34। अब मैं क्या करता हूँ, जेंडर सिर्फ फीमेल कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से जो इवन ये 21% मेरे पास अब आ रही है तो मैं नॉर्मली 25 से 44 ईयर्स ऑफ एज के लोगों को जो है वो टारगेट करता हूँ। तो यहाँ से 25 और यहाँ से 44 ईयर्स ऑफ एज के जो है वो लोग मेरे पास आ गए। ठीक है, फीमेल जो थी, अब यहाँ पे मैं साथ जो है वो जेंडर लिख लेता हूँ इस फाइल के अंदर, जेंडर फीमेल्स एज 25 to 44 ईयर्स। उसके बाद अब जो है वो हम लोग जो है वो नेक्स्ट चीज के ऊपर जो है वो चलते हैं, जो कि पेज लाइक्स की ऑप्शन होती है। अभी पोटेंशियल रीच मेरे पास आ रही है 500K to 600K। पेज लाइक्स के ऊपर आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं, सबसे पहले टॉप कैटेगरी में बेबी एंड चिल्ड्रन क्लोथिंग शॉप रेलिवेंट आ रही है, फ्रेशली पिक्ड और लामा जो भी है। तो इनको आप लोगों ने क्या करना है, एक दफा वेरीफाई जरूर करना है।
क्योंकि एक दफा आप लोग अगर इनको वेरीफाई कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम जो है वो आपको दोबारा ये सर्च करने की जरूरत नहीं पेश आएगी। इसी तरह मैटरनिटी या नर्सिंग क्लॉथिंग शॉप है, इसको न्यू पेज पे जो है मैं ओपन कर रहा हूँ, बेबी गुड्स चिल्ड्रन गुड्स आ गया, ये मुख्तलिफ पेजेस आ गए बेबी से रेलिवेंट, तो इनको भी जो है वो मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, ये अगेन आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ क्योंकि मुझे नॉर्मली जो है पता है कौन कौन से पेजेस को जो है वो टारगेट करना है और बेस उसी चीज के ऊपर जो ऑलरेडी मैंने चीजें जो है वो निकाली हुई, तो लेकिन आप लोग एक दफा इसको वेरीफाई जरूर करेंगे। अब जस्ट एग्जांपल मेरे पास एक ये पेज आ गया फ्रेशली पिक्ड, फ्रेशली पिक्ड, उसके बाद लाइक ये चिल्ड्रन क्लोथिंग से जो है वो रेलिवेंट है, इसको आगे फर्दर स्क्रोल डाउन भी करके जो है वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आते हैं, अब ये देखें ऊ ला लांबा जो भी है ऊ ला, उसके बाद जी एल एल ए एम ए, सेकंड पेज जो है वो मेरे पास सिलेक्ट हो गया। उसके बाद थर्ड पेज जो है वो चेक करते हैं, पिंक ब्लश, ये मेरे ख्याल से ठीक है मैटरनिटी से रिलेटेड है तो इसको भी जो है वो हम लोग जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं साथ। पिंक ब्लश मैटरनिटी, उसके बाद नेक्स्ट पेज जो है वो चेक करते हैं, अगेन पोश पीनट, ये भी चिल्ड्रन से रिलेटेड है पोश पीनट, ये मैंने अपनी फाइल के अंदर जो है वो ऐड कर लिया। बेसिकली ये जो फाइल बना रहे हैं इसको स्वाइप फाइल का जो है वो नेम दिया जाता है, मुख्तलिफ जगह पे भी आप स्वाइप फाइल जो है वो उसका नेम जो है वो सुनेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, स्वाइप फाइल्स के अंदर हम लोग मुख्तलिफ चीजों के आइडियाज जो है वो कलेक्ट करके रख लेते हैं और जब जब हमें जरूरत पड़ती है तो उनको यूज कर लेते हैं। तो आगे नेक्स्ट स्पीयरमैन बेबी आ गया, स्पीयरमैन बेबी, इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो कैरोसेल डिजाइंस, ये डिजाइन से रिलेटेड है, ये हमसे रेलिवेंट नहीं है तो उसको मैंने क्लोज कर दिया है। उसके बाद ओलेट अगेन बेबी से रिलेटेड है और लास्ट वन अभी मेरे पास जी क्या आ रहा है फॉर मॉम्स, ये भी बेबी से रेलिवेंट है। ये मैंने जो है वो मुख्तलिफ नेम जो है वो यहाँ पे फाइल के अंदर जो है वो इकट्ठे कर लिए। इवन अब नेक्स्ट मेरे पास जो है वो ये आ रही है होम डेकोर में पोइट्री बॉर्न किट्स आ रहा है, इसके अलावा वेडिंग प्लानिंग क्लॉथिंग शॉप। अब इसमें मोस्टली कुछ बिजनेसेस के लिए आपको एग्जैक्टली जो है वो इंटरेस्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना होता है, ये जो रिलेटेड वन अभी जो हम लोग जो है वो निकालते जा रहे हैं इनको जो है वो पुट करना है। अभी जस्ट एग्जांपल ये जो फोर मोम्स था इसको जो है बेबी शॉप को यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पे फोर मोम्स जो है वो पुट करके देखता हूँ। तो ये बेबी गुड्स से रिलेटेड, अब यहाँ पे दोबारा देखें जी कौन कौन सी मेरे पास चीजें आ गई हैं, जस्ट बोर्न अगेन न्यू बोर्न बेबीज के लिए, द बोपी कंपनी आ गया, मम्मीज ब्लिस समर हेल्दी चिल्ड्रन, अब ये मुख्तलिफ जो है वो चीजें हैं हमारे पास जो है वो लाइक रोम्पा क्योर जॉय मॉम्स, ये अगेन बच्चों से रिलेटेड जो है वो हमारे पास चीजें जो है वो आना शुरू होगी। द चिल्ड्रंस प्लेस बहुत बड़ा पेज है चिल्ड्रन के हवाले से और बहुत अच्छा, लाइक अगर एड्स के अंदर इसको चिल्ड्रन से रिलेटेड हम लोग यूज करें तो काफी अच्छे रिजल्ट जो है वो हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंटरेस्ट जो है वो आप लोगों ने निकालने के बाद नेक्स्ट क्या करना है, ये फाइल जो है वो बना लेनी है, डिफरेंट फाइल्स जो है वो आप लोग अपनी बना सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक काम और, अगर आपको फिर भी जो है वो आइडिया ना मिले कि क्या करना है तो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल पे जाएं और ट्राई करें, कोई रिलेटेड मैगजीन आपको जो है वो मिल जाए, जो भी आप बिजनेस जिसको भी जो है वो टारगेट करने जा रहे हैं, या नेक्स्ट जो है वो आपको अगर वो नहीं मिलता तो एटलीस्ट कोई कम्युनिटी मिल जाए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बेबी मैगजीन्स ये जो है वो सर्च करता हूं, बेबी मैगजीन्स इन यूएस कर लें, इन यूएसए। अब ये मुख्तलिफ जो है वो नेम्स हमारे पास जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, ये देखें ये मुख्तलिफ नेम जो है वो बेबीज के आएंगे जो कि मैगजीन है, उसके बाद या चिल्ड्रन क्लोथिंग बेबी क्लोथ्स कर लें, बेबी क्लोथ मैगजीन्स
इसके अलावा बेबी क्लॉथ मैगजीन के अलावा आप लोग जो है वो डिफरेंट जो बड़े स्टोर हैं बेबी क्लॉथ स्टोर्स इन यूएसए वगैरह ये भी सर्च करके जो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं एक टारगेट ऑडियंस निकाल लें वहां से अब ये मुख्तलिफ नेम आपको मिल जाएंगे इनको आप लोगों ने क्या करना है अगेन यहाँ पे आके जो है वो पुट करना है जो इंटरेस्ट लिस्ट आप लोगों के पास जो है वो आ रही है ठीक है तो आपके पास एक स्वाइप फाइल जो है वो बनती चली जाएगी। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है ये जब सारे आपके पास 15-20 इंटरेस्ट जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे अगर तो आप लोग यहाँ पे एड्स तक का काम आपके पास अगर एड्स में पुट करना है तो आधे से ज्यादा काम जो है वो कर चुके हैं। अब इसमें अगेन ये सारे जिन लोगों को हम लोग टारगेट कर रहे हैं इसको हम लोग जो है वो नैरो कर सकते हैं पेरेंट के साथ नैरो ऑडियंस लाइक पेरेंट्स की जो हमारे पास अवेलेबल है वो 0 to 12 मंथ्स। इसके अलावा अगेन पेरेंट्स जो हमारे पास आएंगे 1 से 2 साल या इस तरह के जितने भी होंगे इनको जो है वो नैरो डाउन कर देना है। प्लस अगर ई कॉमर्स के लिए जो है वो आप लोग ऐड चला रहे हैं ठीक है इसको जो है वो फर्दर नैरो डाउन जो है वो आप लोग कर लें इंगेज शॉपर्स या ऑनलाइन शॉपिंग या इससे रिलेटेड जो है वो मुख्तलिफ चीजें और वहां पे पोटेंशियल रीच जो है वो आप लोगों ने देखनी है आप लोगों के पास पोटेंशियल रीच कैसे आ रही है। तो अभी मैं क्या करता हूँ किसी भी एक एड अकाउंट के अंदर जो है वो जाता हूँ और वहां पे इसको जो है वो चेक करने की ट्राई जो है वो हम लोग करते हैं कि किस तरीके से इसको जो है वो हम लोग पुट करके आगे फर्दर जो है वो इंटरेस्ट या चीजें जो है वो निकाल सकते हैं। तो अभी जस्ट एग्जाम्पल ये मेरे पास एड अकाउंट एक आया है सिर्फ फॉर टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने क्या करना है क्रिएट के बटन के ऊपर गए कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव जो है वो आप लोग चूज कर लें क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो है वो कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव ही जो है वो यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एड सेट लेवल के ऊपर जो है वो आप लोगों ने आ जाना है ये सारी चीजें जो है वो फिल करने के बाद ये इस ऑडियंस सेक्शन में यूनाइटेड स्टेट्स आ गया। यहाँ पे एज जो है वो आप लोग सिलेक्ट करें जो भी हमने अभी निकाली थी लाइक 25 से 44 ईयर्स। जेंडर सिर्फ हम लोगों ने फीमेल्स को टारगेट करना था यहाँ पे ये इंटरेस्ट पुट करें जो भी अभी हमने निकाला है ये डिटेल्ड एक्सपेंशन ऑफ कर दें। सो जस्ट एग्जाम्पल अभी हमारे पास पहले 4 मोम्स आया था ठीक है इसी तरह ये जितने भी हमारे पास इंटरेस्ट आए हैं स्पीयरमेंट बेबी अच्छा अब इसमें जो है वो एक चीज जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है बहुत सारे इस तरह के इंटरेस्ट आपको मिलेंगे जो वहां पे तो अपीयर हो रहे थे लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो नहीं मिलेंगे ठीक है। यहाँ पे दोबारा मैं देख लेता हूँ अगर मिलता है स्पीयरमेंट इवन सिर्फ स्पीयरमेंट अगर जो है वो ऐड करें तो ओनली स्पीयरमेंट या ये अवेलेबल है लेकिन इनको हमने टारगेट नहीं करना। तो अब ये मैं क्या कर रहा हूँ इसको जो है वो अपने लिस्ट से रिमूव कर रहा हूँ कि वो चीज एज अ इंटरेस्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है ठीक है। सेकंड वन जो है वो मैंने चेक किया अब अगेन यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ ये मेक श्योर कर रहा हूँ कि वाकई ये इंटरेस्ट जो है वो है या नहीं है तो सेकंड वन भी नहीं है इसको खत्म कर दिया। नेक्स्ट जो है वो चेक करते हैं अगेन ये इंटरेस्ट भी जो है वो अवेलेबल नहीं है ठीक है इसको जो है वो चेक कर लेते हैं अगेन ये इंटरेस्ट भी जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये आप लोगों ने क्या करना है इसलिए मैंने बोला है कि इसको स्वाइप फाइल के अंदर जो है वो ऐड करना है कि सिर्फ और सिर्फ जो टेस्टेड वन आपके पास होंगे जो इंटरेस्ट लिस्ट के अंदर जो है वो अवेलेबल है सिर्फ उन्हीं को आपने अपनी लिस्ट के अंदर रखना है बाकी जो है वो रिमूव करते जाना है। तो अभी मैं आगे वाले देख लेता हूँ अदरवाइज इनको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये जब आप 15-20 जो है वो निकालेंगे तो एक्चुअल में आपके पास शायद जो है वो कोई
पांच सात जो है वो रह जाएंगे जो कि इंटरेस्ट लिस्ट के अंदर अवेलेबल होंगे। तो ये भी इंटरेस्ट लिस्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है, इनको मैं खत्म कर देता हूँ। तो अभी मैंने जितने जो है वो निकाले थे उसमें से सिर्फ मेरे पास दो आए हैं, ठीक है। बाकी भी अभी ये जो मैंने डिफरेंट पेजेस वगैरह ओपन किए हुए थे इनको भी मैं चेक करके यहाँ पे एक प्रॉपर फाइल जो है वो बना लूंगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ये नैरो ऑडियंस मस्ट ऑल्सो टैग यहाँ पे, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है वो पेरेंट्स हैं सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे पेरेंट्स की ये डिफरेंट लिस्ट जो है वो अवेलेबल है, तो न्यू पेरेंट्स आ गया। इसके अलावा दोबारा मैं इस पे आता हूँ तो ये पेरेंट्स इनको टारगेट कर लिया, प्लस इसको फर्दर नैरो डाउन। मेरे पास ऑलरेडी पोटेंशियल रीच जो है वो 100,000 की आ रही है, तो अच्छी है। अदरवाइज अगर आपके पास ब्रॉडर ऑडियंस है तो आपने नैरो फर्दर करके जो है वो आगे फर्दर कर देना है। तो कुछ लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही ऑडियंस प्रोवाइड कर रहे हैं फाइवर वगैरह के ऊपर, तो अगर आप लोग भी सिर्फ ये काम करना चाहें तो उसके बाद आप लोगों ने ये जब इंटरेस्ट पुट करेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये इस पूरी ऑडियंस डेफिनेशन से रीच वगैरह का स्क्रीनशॉट लेके जो है वो क्लाइंट को सेंड कर देना है कि ये इंटरेस्ट है और इनको पुट करने से ये पोटेंशियल रीच जो है वो निकलती है, और फर्दर फाइल के अंदर वो कुछ लाइक इंफॉर्मेशन वगैरह जो है पुट कर देते हैं कि इसको जो है वो 10-15 दिन तक जो तीन चार दिन तक जो है वो चलने दें ताकि बेस्ट रिजल्ट्स जो है वो आप लोग हासिल कर सके। तो अगेन इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, अपनी फाइल जो है वो बनाते चले जाना है, ये चीजें जो है वो यहाँ से टेस्ट करते चले जाएं, यहाँ से निकालते जाएं और यहाँ पे एक दफा इसको जो है वो टेस्ट करें कि ये चीजें अवेलेबल है या नहीं है। अब जस्ट एग्जाम्पल ये मेरे पास जो है वो आ गया है, ठीक है। इसी तरह आगे फर्दर जो है वो, अब जब आपके पास एक दफा प्रॉपर ये स्वाइप फाइल्स बन जाएंगी हर एक चीज के लिए, तो आपके लिए क्या होगा, एड्स पे काम करना जो है वो आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी चिल्ड्रन क्लॉथिंग के लिए, चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए अगर कोई आपके पास आता है तो आपके पास ये ऑलरेडी जो है वो ऑडियंसेस अवेलेबल होंगी। अगर सिर्फ ऑडियंस सर्च करके देनी है तो ये फाइल प्रॉपर एक टेम्पलेट वगैरह बना ले और उसको जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। या सेकंड चीज, अगर एड्स वगैरह में जो है वो आप लोगों ने इसको जो है वो पुट करना है तो फिर आप लोग जो है वो ये एड्स में भी इसको पुट करके जो फर्दर टेस्टिंग वगैरह जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर टारगेट ऑडियंस जो है वो फेसबुक के ऑडियंस इनसाइट या गूगल से जो है वो निकाल सकते हैं।